नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ समाजसेवी और सपा नेता सुनील राव के प्रतिनिधि दिनेश कुमार सोलंकी जी यहां पर उपस्थित हैं। जी सोलंकी जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार, आईबीएन भारत में मुझे बुलाने के लिए, अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। जी सोलंकी जी, राव साहब व्यस्त थे और तमाम व्यस्तताओं के कारण वो अपना समय नहीं दे पाए। आप एक उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। जी मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले शुरुआत मैं वहीं से करूँगा, राव साहब से ही, कि आखिर राव साहब एक उद्योगपति हैं और फिर वो पॉलिटिक्स की ओर कदम क्यों रखे? आप उनके नज़दीकी हैं, जानते होंगे इस बात। जी जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, पथरदेवा, मैं देवरिया जनपद के पथरदेवा विधानसभा के बालकुआ गांव के रहने वाले हैं। नेता श्री सुनील राव जी जो गरीबी और लाचारी को झेल चुके थे, गरीबी को समझते हैं कि गरीबी क्या चीज़ होती है, बेरोजगारी क्या चीज़ होती है, फिर वह मुंबई के तरफ रुख किए, उस बम्बई के महासागर से धन अर्जित किए। धन अर्जित करने के बाद उनको, उनके अंदर एक ललक थी, उनके अंदर एक जिज्ञासा जगी। गरीबी उन्होंने देखा था तो गांव जवार क्षेत्र की याद उन्हें आई, तो फिर वह सोचे कि धन तो मान लीजिए कमा लिया गया अपने सुख के लिए, फिर जनता के दुख सुख में सोचे कि हम जनता के बीच में चलें, उनके दुख दर्द को समझें, उनके दर्द को बांटें। अगर भगवान ने हमको इस लायक बनाया तो मैं गरीबों के काम आ सकूं, यही सोच लेकर आज पथरदेवा के अंतर्गत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन एक बात और आती है सोलंकी जी, केंद्र में सरकार तो है, प्रदेश में भी सरकार है, अन्य कई राज्यों में भी बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस है और बसपा भी है, फिर उन्होंने सपा को ही क्यों चुना? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, नेताजी की सोच संघर्षवादी रही है, समाजवादी पार्टी शुरू से ही संघर्ष में विश्वास करती है। इस नाते नेता श्री सुनील राव जी अपने आप को देखे कि पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, युवा हैं, उनके अंदर अभी एक जोश है, जज्बा है, देखने में लगता है कि अभी ऊर्जावान नेता हैं। मेरे नेता भी ऊर्जावान हैं, उनके अंदर एक ललक है चलने की, कुछ करने की, उनकी जिज्ञासा जगी है, तो समाजवादी पार्टी संघर्ष करती आई, बिल्कुल कर भी रही है। और रही बात विकास की, तो विकास समाजवादी पार्टी में जो भी हुए आपको दिख रहा है, अगर इस समय जो भाजपा की सरकार है, समाजवादी पार्टी समाजवादी में जो विकास हुए हैं, विकास हुए हैं जी, वह पहला नंबर समाजवादी पार्टी समाजवादी पेंशन देने का काम करती थी। एक लोकप्रिय कार्यक्रम हुआ करता था समाजवादी पेंशन, 1,000 रुपया गरीबों के खाते में पर मंथ समाजवादी पार्टी भेज देती थी। भाजपा की सरकार ज्यों बनी तो पहले उसको बंद की, पहला काम भाजपा वालों ने यही किया कि गरीबों को सीधे 1,000 रुपया जाना बंद हुआ। अपराध रोकने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पुलिस सहायता के लिए 100 नंबर गाड़ी चलवाई, पहला काम भाजपा की सरकार, उसको नाम बदल के 112 कर दिया। यह एक विकास भाजपा का दिख रहा है कि 100 से 112 कर दिया गया। अच्छा, अभी हम आपको रोकना चाहेंगे, हम जैसे कि बात पेंशन की हो रही थी कि उन्होंने समाजवादी पेंशन रोक दिया, लेकिन किसानों के लिए तो उन्होंने एक योजना चलाई है, उनके खाते में जो भी किसान हैं 1,000 रुपये तो आ रहे हैं उनके भी। ठीक है, 1,000 रुपये आ रहे हैं, उसमें भी देखिए कितनी अभी कमियां हैं, किसान घूम रहा है, प्रशासन के जो तंत्र हैं, लेखपाल जो उनके तंत्र हैं भाजपा सरकार के, अभी सबके खाते में कहाँ पैसा जा रहा है, घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। आज बेलगाम हो गई है प्रशासनिक तंत्र, थाना अलग बेलगाम, तहसील वाले अलग बेलगाम, ब्लॉक पे जाइए बगैर घूस दिए, बगैर पैसा दिए कोई काम होने वाला नहीं है।
कहीं बताइए कि बगैर पैसे का काम होता हो। अच्छा, ये जो सपा की जो आपकी सपा पार्टी है, ये आखिर महिलाओं के बारे में क्या रुख रख रही है? अभी बताइए, भाजपा वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, यही तो हो रहा है, हाथरस में आप देख ही रहे हैं, डेली चौराहों पर देख ही रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर ये पुलिस लोग कर क्या रहे हैं, किस लिए उनकी ड्यूटी है चौक चौराहों पर, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कौन किसकी जिम्मेदारी है इसको रोकने की? या इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि ऐसी घटनाएं न हो, अगर हो तो फिर ऐसी सजा दी जाए कि उसकी पुनरावृत्ति न हो। जी, कौन देखेगा, प्रशासन के लोग तो ही देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके कहने का तात्पर्य है कि जो बीजेपी की सरकार है उसमें प्रशासन विफल है, पूर्ण रूप से विफल है। लेकिन ये एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही कि आखिर इसको, इसके सुधार के लिए क्या कोई आपके पास या आपकी पार्टी के पास कोई ऐसा योजना है कि आखिर मान लीजिए निर्भया कांड हुआ तो तमाम कानून बने, नियम कानून बने, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिखता कि बहुत ज्यादा अंकुश लग पाया हो। देखिए, तो इसमें जब तक झूलमूल नीति रहेगी, स्पष्ट नीति नहीं रहेगी, जब तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग विशेष के नाम पर लड़ाया जाता रहेगा, वोट की राजनीति की जाएगी। अभी तक भाजपा वाले मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते आए, मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद गिरवाएंगे, हिंदू हैं मुस्लिम हैं इसी पे बरगलाते आए, जनता को बरगला के राजनीति करते रहे। आज न्यायालय ने मान लीजिए निर्णय दिया, फैसला हुआ, मंदिर बनने जा रहा है, उसका भी श्रेय लेंगे, मंदिर मैं बनवा रहा हूँ। नहीं, जहाँ तक बात मंदिर मस्जिद की है, अब तो फैसला आ गया है, मंदिर निर्माण निष्पक्ष फैसला दे दिया है, वो तो एक तरह से है, और जो पार्टियाँ उसमें आगे बढ़ चढ़ के काम की थी वो उसका श्रेय ले रही हैं, नहीं ले रही हैं ये अलग बात है, आप नहीं ले पा रहे हैं तो ये अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बात सुरक्षा की आती है, महिला सुरक्षा की आती है, उसमें इस सरकार को, जो बीजेपी सरकार है, उसको आप कितने नंबर दे रहे हैं? जीरो नंबर। आज चौक चौराहों पे हमारे घर की बहन बेटियां समाज में कहीं सुरक्षित नहीं है, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो क्या मतलब जब आप विपक्ष में रहते हैं, पुलिस उनके हाथ में, जब आप विपक्ष में ही रहते हैं तभी महिलाओं को, महिलाओं की सुरक्षा का दर्द आपको इतना भयावह कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है जी। पहला नंबर ये देखिए कि यह जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं विपक्ष को कुचलने का काम कर रहे हैं, जैसे देखिए राहुल गांधी जी जा रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे, जाने वाले हैं, सुनिए कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करेंगे आप, जाने नहीं देंगे, रास्ते में रोकेंगे, बिल्कुल उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करेंगे, बिल्कुल ये मेरे आवाज दबाएंगे आप। हाँ, ये आवाज नहीं दबनी चाहिए, लेकिन जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, जहां इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें बीजेपी सरकार फेल है, मान लेते हैं फेल है, लेकिन महिलाओं के बारे में आपके ही नेता जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनकी भी राय तो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि नेताजी ने कई बार कहा था जो बलात्कारी थे कि बच्चों से गलतियां हो जाया करती हैं। कुशीनगर में आप देवरिया से हैं नेताजी, आप मानिए आप देवरिया से हैं, लेकिन कुशीनगर में एक चुनावी सभा में उन्होंने ऐसा कहा था और उसको लेकर पूरा बवेला मचा था। तो क्या मतलब ये नहीं है कि अगर जो बीजेपी सत्ता में है और आप विपक्ष में हैं तो महिला सुरक्षा का डंडा लेके उठा लेते हैं आप लोग, और जब आप खुद सत्ता में होते हैं तो कुछ दूसरा रवैया अपना लेते हैं? देखिए, ऐसा नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। इनका काम है सत्ता पाने के लिए दुष्प्रचार करना जी, लड़ाना जी, बरगलाना, ऐसा कुछ नहीं नेताजी ने कहा था। जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियां स्पष्ट हैं जी, धुलमुल नीत नहीं है, वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। यही सब देख करके तो आज जड़ी सुनील राव जी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं जी, यही सब उनकी नीतियां अच्छी लगी जी नेताजी को, अच्छा सुनील राव जी को, अच्छा आज समाजवादी पार्टी इसीलिए ज्वाइन करने। अच्छा ठीक है, जब कोई चुनाव व्यक्ति लड़ने जाता है तो उसमें यह होता है कि आदमी चुनाव लड़ने जा रहा है या फिर कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के वो पार्टी ज्वाइन कर लिया जी। लेकिन दूसरी बात यह होती है कि अब हम चुनाव में जा रहे हैं,
तो मुद्दे क्या होंगे? तो इस बार चूंकि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें मुद्दे क्या हो सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियां, मुद्दे स्पष्ट हैं, वो तो होगा। लेकिन हमारे जो हम देवरिया जिला के पथरदेवा विधानसभा से बिलोंग करते हैं जी, जहां की राजनीति हम लोग कर रहे हैं जी, नेताजी नेता श्री सुनील राव जी का, इस पूरे विधानसभा के अंतर्गत हम शासन में नहीं हैं, हमारे पास कोई सरकारी धन नहीं है, विपक्ष में है। लेकिन आदरणीय सुनील राव जी पूरे देवरिया पथरदेवा विधानसभा के अंतर्गत आप पता करवा सकते हैं, जो शासन मेरे विरोधी हैं उनसे भी आप पता करवा सकते हैं कि पूरे विधानसभा के अंतर्गत कोई गरीब असहाय लाचार अगर चल के आ गया नेताजी के दरवाजे तक, या किसी माध्यमों से अगर फोन आ गया, सूचना आ गया, तो हम वहाँ पहुँचते हैं, अब त्वरित उसका निदान करते हैं, आर्थिक सहयोग हो, प्रशासनिक सहयोग हो, दवा की जरूरत हो, नेताजी अपने धन से करते हैं, कहीं सरकारी व्यवस्था से नहीं करते हैं। तो सोच उनकी नीतियाँ स्पष्ट है, हमारे पथरदेवा में पूछिए, लोगों से जाकर बात करिए, देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। नहीं, ये तो अच्छी बात है, अगर जो सेवा का भाव पहले से ही है तो राजनीति में आने के बाद एक ये मिल जाएगा कि आपको लोगों को सेवा करने के लिए, उनका विकास करने के लिए धन मिलेगा, और उसे धन के लिए नहीं, धन कमाने के लिए नेताजी नहीं, धन तो उनके पास भगवान ने दे दिया, सेवा के लिए, सेवा धन है, पर्याप्त धन है। जब पहले से ही जब पहले से ही सुनील राव जी लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपना धन लगा करके कर रहे हैं, तो अगर सरकार की तरफ से उन्हें धन मिलेगा तो और विकास करेंगे, और विकास करेंगे, और विकास करेंगे। आज युवा, तो क्या मतलब आप सोचते हैं कि किस तरह से उनका विकास करना चाहिए? हमारा देवरिया जिला जैसे पैसे बांटेंगे, हमारा देवरिया जिला चीनी का कटोरा कहा जाता जी 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 हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, चीनी मिले हैं जी, तमाम चीनी मिले थी, लेकिन अब सब बंद पड़ी हुई है जी, कोई चीनी गन्ना लोग बेचने के लिए मजबूर है, कहाँ बेचे जी जी, उसका समय से पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या करे किसान? बिल्कुल, आज किसान मजबूर है, नौजवान मजबूर है, नौजवान के पास कोई रोजगार नहीं है। नेताजी की सोच है, भगवान ने धन दिया है, कल कारखाना लगाएंगे, अपना पर्सनल कारखाना लगाएंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देंगे, अपने मुंबई में आज के डेट में अपने हमारे विधानसभा के लोग, तमाम लोग जाकर वहाँ रोजगार काम कर रहे हैं, नेताजी के द्वारा काम दिया गया है। बिल्कुल, कल अगर शासन में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, तो हम प्रयास करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे जी, कल कारखाने लगवाएंगे। बिल्कुल, सोच हमारे नेताजी की स्पष्ट है, धन कमाने के लिए लालच में, धन कमाने के लिए धंधे उनके पास बहुत हैं, कर सकते हैं, राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम जनता का नहीं कर सकते हैं जब तक राजनीति में नहीं कूदेंगे, नौजवान जब तक नहीं आएंगे तब तक राजनीति में सुधार नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही है हमारे सोलंकी जी ने, जो सुनील राव जी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। इनका मानना है, और जहर सी बात है, सुनील राव जी का भी मानना है कि जो भी युवा है अगर वो पॉलिटिक्स से दूर भागता है, तो दूर भागने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है, साफ और सुथरे मन से पॉलिटिक्स में आने की जरूरत है, पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि यही एक रास्ता है, यह भी रास्ता है कि लोगों की सेवा की जा सके, उनके विकास को किया जा सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। तो फिलहाल आप इस स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर भी आते रहिएगा, जब भी बुलाया जाए जी, आप जी, 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 जी। और अपनी बातें रखते रहिएगा। तो फिलहाल इस मुलाकात में बस इतना ही, हमें और सोलंकी जी के साथ हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।